हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, यहां पर भारतीय रेलवे ने एक साथ ही 3000 नई ट्रेनें चलाने की जो घोषणा है उसको यहां पर कर दिया है। और इन 3000 ट्रेनों को पटरी पर उतारने के लिए भारतीय रेलवे काम में भी जुट गई है। और इन 3000 ट्रेनों के बारे में आपने भी कभी न कभी सुना होगा, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, कैसे इंडियन रेलवे अब करने वाली है, इसके बारे में कम्प्लीट डिटेल इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। और कैसे दोस्तों यात्रियों को ये 3000 नई ट्रेनें भीड़ भाड़ से निजात दिलाने वाली है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रही वीडियो में एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, हर साल दिवाली और छठ पूजा में उमड़ने वाली बंपर भीड़ के मद्देनजर केंद्र सरकार अगले 4 सालों में 3000 नई ट्रेनें चलाकर लंबी वेटिंग लिस्ट को समाप्त करने के लिए अपने मिशन पर जुट गई है। भारतीय रेलवे की इस क्षमता विस्तार में सालाना 1000 करोड़ यात्री ट्रेनों में आरामदायक सफर कर पाएंगे, इसके लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। मतलब इस पर काम भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर साल करीब 5500 LHB कोच अभी बन रहे हैं, और नीतिगत फैसले के तहत LHB कोच पुशपुल ट्रेन सेट तकनीक पर बनेंगे, यानी कि फैक्ट्री से कोच के बजाय ट्रेन सेट बनकर बाहर निकलेगी। इस प्रकार हर साल 225 पुष्पल ट्रेनें, जिसे आप अमृत भारत ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, वो रेलवे के नेटवर्क में जुड़ पाएगी। इसके अलावा अन्य 1600 से 1700 नई ट्रेनों को अगले 4 से 5 साल में भारतीय रेलवे अब पटरी पर उतारने वाली है। 2027 तक 3000 नई ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारतीय रेलवे के नेटवर्क में ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजक्शन है। तो इस भयंकर ट्रैफिक कंजक्शन में ये 3000 नई ट्रेनों को इंडियन रेलवे कैसे मैनेज करने वाली है, इस पर भी इंडियन रेलवे को गंभीरता से सोचना होगा। वर्तमान में रेलवे में करीब 69,000 LHB कोच अभी फिलहाल अवेलेबल है। इन्हें भी पुशपुल ट्रेन सेट में तब्दील किया जाएगा। ट्रेन के रुकने और फिर से गति पकड़ने में, यानी कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में समान गाड़ी से आधा वक्त लगता है इन पुशपुल ट्रेनों को। इसके परीक्षण में दिल्ली और हावड़ा के बीच सामान्य रफ्तार पर चलने वाली गाड़ी के समय में 2 घंटे 20 मिनट की बचत भी दर्ज की गई है। इसीलिए दोस्तों, ये जो पुशपुल ट्रेनें हैं, इन पर भारतीय रेलवे अब काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, और यही फ्यूचर होने वाला है इंडियन रेलवे का। ट्रेन सेट में ऑटोमेटिक दरवाजे के साथ सेमी परमानेंट कपलर अब इंडियन रेलवे लगाने वाली है, और गैंगवे को चौड़ा करने वाली है। इससे गाड़ी में चलते और रुकते समय झटके लगने की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। रेल क्षमता के विस्तार के तहत प्रमुख रेल मार्ग पर तीसरी एवं चौथी लाइन बिछाने का जो काम है उसको भी यहाँ पर तेजी कर दिया गया है। जैसे कि मैं बात कर रहा था ट्रैफिक कंजप्शन की, तो इस पर भी इंडियन रेलवे अपनी जो काम है उसको यहाँ पर अभी से ही शुरू कर दिया है। आने वाले 5 वर्ष में रेलवे नेटवर्क में करीब 27,000 से 30,000 किलोमीटर नई पटरियां भी बिछ जाएगी। यानी कि रेलवे पूरी तरह से प्लानिंग करने के बाद ये 3000 नई ट्रेनों को उतारने का फैसला लिया है, और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इंडियन रेलवे के लिए। लेकिन एक बार ये बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हो जाता है तो इंडियन रेलवे इन ट्रेनों के जरिए बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर साल जब भी दिवाली, छठ या फिर होली जैसे बड़े त्योहार आते हैं तो इंडियन रेलवे के ट्रेनों से सफर करने वाले जो यात्री हैं उनको टिकट मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यानी कि टिकट आसानी से नहीं मिल पाता है और समय से अपने घर भी नहीं जा पाते हैं। और इसी समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब आपको 0 वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा आने वाले 5 वर्षों के भीतर, और ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला होगा भारतीय रेलवे का। इसके अलावा दोस्तों, इस रिपोर्ट में आगे बढ़े तो विपक्ष द्वारा स्लीपर क्लास के कोचों को कम करने एवं एसी कोच बढ़ाने के आरोप को विभाग ने निराधार बताया है। विभाग का कहना है कि नॉन एसी श्रेणी में 372 करोड़ यात्रियों ने अब तक सफर किया है, और गत वर्ष की अपेक्षा 41 करोड़ अधिक यात्रियों ने यहाँ पर सफर किया है। रेलवे का हमेशा से ही फोकस दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के यात्रियों पर रहा है, और त्योहारी सीजन के लिए इंतजाम के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच नियमित ट्रेनों के अलावा लगभग 6,754 विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, और ये ट्रेनें अभी चल भी रही है। गत वर्ष इसी अवधि में केवल 2614 फेरे लगाए गए थे। इस वर्ष अब तक 1.5 माह में 2423 फेरों में 36 लाख यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा चुका है। रेलवे की यात्री क्षमता मौजूदा 800 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ करने के लिए अगले 4 से 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेनें शुरू करने का जो काम है वो अब यहां पर इंडियन रेलवे करने वाली है। और यात्रा का समय कम करना मंत्रालय का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, और 1000 से अधिक फ्लाई ओवर और अंडरपास को भी मंजूरी यहां पर मिल गई है। और ये सब बातें हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने खुद बताया है। मतलब दोस्तों, आने वाले 4 से 5 वर्षों में रेलवे का
जो तस्वीर है वो पूरी तरह से अब बदलने वाला है और जो त्योहारों में आप खतरनाक भीड़ देखते हैं उसको अब इंडियन रेलवे ने गंभीरता से लिया है और इस बड़ी समस्या के लिए 3000 नई ट्रेनों को अब पटरी पर उतारने वाली है। फिलहाल दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं इस रेलवे के प्लान के बारे में ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे अपडेट जानने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।